बोर्ड में कितना परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है, क्या बोर्ड के परसेंटेज से अभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पे प्रभाव पड़ेगा, या कितना परसेंट हम ले आए तो यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाएगा, ये सारे प्रश्न आपके लगातार मुझसे पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे, और इस वीडियो में मैं आपके बोर्ड और सीयूईटी के मार्क्स के ऊपर डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम्स भी पास है और सीयूईटी भी जो है उसके आसपास है, तो ये मन में प्रश्न आना बहुत लाजमी है कि सर मैं बोर्ड पे फोकस कर दूं या सीयूईटी पे फोकस करूं, और जिस पे फोकस करेंगे उसके मार्क्स जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है एकदम स्पष्ट कर दिया गया है, एक इंटरव्यू में एकदम साफ तौर पे पूछा गया यूजीसी के चेयरमैन को कि सर मान लीजिए डीयू में बहुत सारे कॉलेज हैं और डीयू जो है बोर्ड के परसेंटेज पे जो है वो ऑलरेडी एडमिशन ले रहा था, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो निर्धारित कर दे? तो यूजीसी चेयरमैन ने ये स्पष्ट कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसमें एडमिशन का जरिया बस एक होगा, सोलली होगा, एक ही मात्र उपाय है, और वो है सीयूईटी का मार्क्स। सीयूईटी के मार्क्स पे ही एडमिशन हो सकता है, बोर्ड के मार्क्स से एडमिशन नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज होगा, अब ऐसा ना हो कि बच्चा बोर्ड जाके पढ़े ही नहीं। एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जा सकता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाए या कॉलेज के द्वारा किया जाए कि इतने परसेंट मार्क्स जरूरी हैं, और ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी सारे जगह पे लागू है। जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में लागू है कि 50% जनरल कैंडिडेट्स को जो है वो होना चाहिए आपके 12th में, ऐसे ही 45% जो है वो ओबीसी को होना चाहिए और 40% जो है वह एससीएसटी को होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया तय है, ये 35% है, ये क्राइटेरिया तय है। तो इसी प्रकार का क्राइटेरिया अलग अलग विश्वविद्यालय का हो सकता है वो 50 न रख के 60% रख दे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा कि 90% रख देंगे या 98% मार्क्स आप ले आएंगे तो आपका एडमिशन जो है वह किसी जगह पे हो जाएगा। मार्क्स के आधार पे एडमिशन होगा तो केवल सीयूईटी के स्कोर के आधार पे, ना कि बोर्ड के आधार पे। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी पूरा करना है, तो बोर्ड पे ऐसा ना कि बिल्कुल ध्यान नहीं दें और जाकर वहाँ 40-45% स्कोर कर दें। आपको बोर्ड में भी आप मान के चलिए कि 70-75% अगर स्कोर कर लेते हैं, एक नॉर्मल स्कोर ये माना जाता है, तो आप लगभग सारे कितना भी बढ़ा देगा तो आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही है मिनिमम, कम से कम रखना। ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा के 95% कर देंगे और उसको कहेंगे हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, और इस पर स्पष्ट होकर यूजीसी के चेयरमैन एकदम क्लियर कर चुके हैं इस चीज़ को, तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने ये कहा था उसका लिंक भी जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप खुद वहां से सुन लीजिए उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जो हम लिंक पे आप जाएंगे वो हमारे नए चैनल का लिंक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ढेर सारी क्लासेस सीयूईटी से रिलेटेड उस चैनल पे भी देखने को मिलेगी। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर से ऐप को जरूर डाउनलोड करें, आने वाले दिनों में उस पर नए पैटर्न के हिसाब से ढेर सारे चेंजेस होने वाले हैं। जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स से जुड़े हैं बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपकी एक एक क्वेरी, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। और न्यू पैटर्न पे बिल्कुल जितनी चीजें ऐड और माइनस करनी है उसके आधार पे जैसे पैटर्न कंप्लीट हमारे हाथ आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, तुरंत ही विद इन 1 वीक हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं।